नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, मैंने ये सीरीज़ जो चालू किया था, इसमें मैंने आपको आगे बताया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, आपको बताया था जिसका मैंने दो वीडियो आगे बनाया, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स, अगर आगे कुछ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा फ्री में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मतलब ये होता है कि दो कैंडल्स आपने मिलके एक सेटअप बनाता है, जिसे हम बोलेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, जिसमें आज हम लेंगे फ्रेंड्स, हमारा कैंडल आएगा फ्रेंड्स बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये फ्रेंड्स डाउन फ्रेम में बनता है और ये फ्रेंड्स बाई के लिए फ्रेंड्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस कैंडल को। ओके, ये पूरा बॉडी है फ्रेंड्स बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का, जो ग्रीन कलर का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, जो मैं आपको क्राइटेरिया भी बता देता हूँ कि कौन से क्राइटेरिया में बनता है, तो ये हमें सक्सेसफुल बनाता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो वन डे के चार्ट में भी बन सकती है, 15 मिनट के चार्ट में भी बन सकती है, 5 मिनट के चार्ट में भी बन सकती है, और ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी बनेगी, निफ्टी में भी बनेगी और किसी स्टॉक में भी बनेगी। ओके फ्रेंड्स, हर एक जगह पर ये कैंडल बनती है, लेकिन हमें उस कैंडल को पहचानना आना चाहिए, तभी हम इसमें हम आगे बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स फर्स्ट स्ट्राइक एरिया क्या है कि फ्रेंड्स मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी हमारा जो मार्केट जा रहा होता है वो फ्रेंड्स पहले फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करें फ्रेंड्स कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए हमारा मार्केट, और वहाँ पर फ्रेंड्स अगर ये कैंडल बनेगी तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। इसका दूसरा क्राइटेरिया फ्रेंड्स क्या है, इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी के बारे में फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में फ्रेंड्स मिनिमम 4 कैंडल फ्रेंड्स डाउन होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी थ्रो करके दिखाता हूँ ताकि हमें पता चले। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का समझ लो, ये कोई चार्ट ऐसे ऐसे जा रहा है बैंक निफ्टी का, ये मिनिमम 4 कैंडल फ्रेंड्स डाउन की साइड में होनी चाहिए फ्रेंड्स ऐसे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद की कैंडल मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए, और उसके बाद फिफ्थ कैंडल जो बनेगी फ्रेंड्स, ये फिफ्थ कैंडल बनेगी फ्रेंड्स, और उसके बाद की जो कैंडल बनेगी फ्रेंड्स वो इस कैंडल को पूरी उसको कवर कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, ये उसको हो गया लोअर शैडो, अपर शैडो, लोअर शैडो, ये शैडो मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स ताकि कैंडल की तरह हमें दिखे ये। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हो सकता है फ्रेंड्स इसमें से कोई एक दो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ये पूरा डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए फ्रेंड्स। हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, और अभी ये जो कैंडल बनी हुई है इसको इस कैंडल ने पूरा ढक दिया है फ्रेंड्स, यानी आप यहाँ पे खड़ा होगे या आप यहाँ पे कैमरा लगाओगे तो आगे की कैंडल आपको दिखाई नहीं देगी। और ये जो कैंडल बनेगी फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगी, सॉरी ये जो बनेगी फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, ग्रीन कलर की कैंडल ये बनेगी फ्रेंड्स ये वाली। ओके फ्रेंड्स, और आगे वाली जो रहेगी फ्रेंड्स ये वाली, ये पूरा रेड कलर की रहेगी फ्रेंड्स, जिसको मैं आपको ड्रॉ करता हूँ अभी, ये वाली पूरा रेड रहेगी। ओके, हो सकता है ये भी रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है फ्रेंड्स, ये रेड हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो चारों चार कैंडल है वो पूरा डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, और उसके बाद ये जो फिफ्थ कलर का कैंडल बना वो रेड होगा, और उसके बाद का जो कैंडल बनेगी वन डे का वो ऐसा ग्रीन होगा, और अगली वाली कैंडल के पूरे हाई और लो को उसका कवर करेगी। ओके फ्रेंड्स, उसे हम बोली इंगल्फिंग कैंडल मानेंगे। अभी इस कैंडल में हमें ट्रेड कब करना है, तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट 3 डे या नेक्स्ट डे इसके हाई को ब्रेक करेगी, यानी कौन से हाई रहेगा फ्रेंड्स हमारा बोली इंगल्फिंग कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, जिसको मैं अभी थ्रो करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे वो ब्रेक करेगी फ्रेंड्स, तब हमें इसमें बाई करना है फ्रेंड्स। ओके, और उसका स्टॉप लॉस फ्रेंड्स रहेगा हमारा इसी कैंडल का लो का, उसका स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स वन डे के कैंडल में बैंक निफ्टी में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न। इसे आपको चार्ट में ढूंढना है, आगे चेक करना है कि कहां कहां पे ऐसा बनाया हुआ था हमारा सेटअप, जिसको मैं आगे के वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा प्रूफ करके कि यहां पे बना है ये, और उसने इतना रिटर्न दिया है। ओके, अभी इसमें और एक चीज़ फ्रेंड्स क्या है, ये 5 महीने की चार्ट में भी ऐसे कैंडल बनेगी, जैसे ये मैंने आपको वन डे के चार्ट में मिनिमम 4 कैंडल बताया, हो सकता है 6 कैंडल भी बन सकता है, 7 कैंडल के बाद भी बनेगा, 8 कैंडल के बाद में भी बनेगा, लेकिन ये मिनिमम 4 कैंडल के बाद बनना चाहिए, मैक्सिमम 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उसके हमें पता नहीं, और हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए।
डाउन ट्रेंड में होता है तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलर फंसे हुए हैं। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो जितने भी सेलिंग किया होगा वो पूरे यहाँ पे ट्रैप होंगे और पूरा अपना शॉर्ट जो किया होगा उसको कवर करने आ जाएंगे मार्केट में। इसकी वजह से पूरा मार्केट फ्रेंड्स अपसाइड में जा सकता है ऐसे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, उसका टारगेट पहला फ्रेंड्स रहेगा समझो, और दूसरा ट्राई करिएगा फ्रेंड्स ये है कि यहाँ से ये जो बनेगा वो मिनिमम 200 पॉइंट, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो रेंज बनेगी ये मिनिमम 200 पॉइंट की रेंज बननी चाहिए फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में। ओके फ्रेंड्स, मिनिमम 200 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 200 मिनिमम रेंज बनती है तो उसका टारगेट हमें मिल सकता है फ्रेंड्स मिनिमम 30% से लेके 50% का टारगेट हमें मिल सकता है फर्स्ट। यानी इसका मतलब ये होता है कि 200 का मूवमेंट अगर ऐसे मिलता है तो 30% के हिसाब से 60 पॉइंट और दूसरा 40% या 50% से पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पे होगा 100 पॉइंट। यानी 60 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें मिल जाएगा और उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है ओनली एंड ओनली एकदम मनी का ही आपको ट्रेड लेना है फ्रेंड्स, एकदम मनी का ही आपको कॉल लेना है, एकदम मनी, एकदम मनी का ही कॉल लेना है तभी आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। और इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न बता रहा हूँ सेटअप बता रहा हूँ इसका सक्सेस रेशियो फ्रेंड्स हो सकता है 70 से 80%। यानी आप मिनिमम ट्रेंड टाइम ऐसे में ट्रेड करोगे तो आपको 7 से 8 बार आपको इसमें सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कहता लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है यूट्यूबर जिन्होंने इसका प्रैक्टिस किया है उस प्रॉफिट कर रहे हैं और उसका वीडियो देख देख के मैं भी सीख रहा हूँ और मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके ओके, अभी उसके अंदर और एक चीज़ क्या है फ्रेंड्स, स्टॉक, स्टॉक में भी फ्रेंड्स ये काम कर सकता है। ओके, तो स्टॉक में फ्रेंड्स अगर समझ लो बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो 5 मिनट की कैंडल में मिनिमम 8 कैंडल डाउन की साइड में जानी चाहिए। कितनी? 8 कैंडल। जैसे मैं आपको विड्रॉ करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उस कैंडल को फ्रेंड्स नेक्स्ट कैंडल ने पूरा ऐसा कवर किया होगा और उसके बाद उसके अगले वाली या सेम बुलिश कैंडल को ब्रेक करेगी तो उसको आप स्टॉक बाय कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स बुलिश इंगल्फिंग का लो, ये रहेगा फ्रेंड्स स्टॉप लॉस। इसका भी स्टॉप लॉस फ्रेंड्स यही रहेगा उसका लो का, और उसमें टारगेट मिल सकता है फ्रेंड्स मिनिमम 1.5% जितना यहाँ से यहाँ मूवमेंट होता है। अगर 1.5% जितना तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है फ्रेंड्स 0.75% टारगेट मिल सकता है आपको इस सेटअप में स्टॉक में। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही फ्रेंड्स निफ्टी में भी ऐसा ही हो सकता है। निफ्टी में अगर मिनिमम 3 से 4 से 5 के अंदर अगर डाउन के समय मूवमेंट करता है और सेम उसके जैसा ही मूवमेंट मिलता है, यहाँ पे कितना मैंने बताया 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट और निफ्टी में हम पकड़ के चलेंगे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी में कितने पकड़ के चले हम 60 से 100 पॉइंट मिनिमम। ओके फ्रेंड्स, मिनिमम 60 से 100 पॉइंट फ्रेंड्स डाउन की ट्रेंड में जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तब हम उसको बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स 30% के लिए, 30 से 50% के लिए। ओके फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स इसमें ये भी है कि अगर आपको ऐसा सेटअप मिले तो आपको एक चीज़ ये इसमें ध्यान रखनी है कि उसमें रेजिस्टेंस किधर है और सपोर्ट किधर है। हो सकता है अगर यहाँ पे जहाँ पे बने वहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है तो उस रेजिस्टेंस को फ्रेंड्स क्रॉस करेगा उसके बाद ही ट्रेड लेना है इस सेटअप में। वरना कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स हम ऐसे सेटअप को हमें मिल जाएंगे लेकिन हम रेजिस्टेंस देखते नहीं है और रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से फिर से नेक्स्ट डे वो नीचे घूम के आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम मुझे मोटिवेशन मिले इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो। फ्रेंड्स, इसके बाद की दूसरी कैंडल अगर आपको चाहिए तो उसका मिलेगा, लाइक करो और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स बेरीज इंगल्फिंग कैंडल। जैसे ये बुलिस इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में आपको बताया आज, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स बेरीज इंगल्फिंग कैंडल जो फ्रेंड्स अप ट्रेंड में बनेगी। और ये अभी बना है फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में, ये कैंडल बनी है, अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीक को बेरीज इंगल्फिंग कैंडल। अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स प्रूफ करके, मैंने आपको बताया था वन डे के चैट में फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, बोला था कि मैंने आपको इसका प्रूफ करके बताऊंगा, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स, मुझे इसको निकाल लेने दो, दो मिनट लगेगा मुझे। ओके फ्रेंड्स, हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो रिपीट करके फ्रेंड्स इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। फ्रेंड्स, पैसा कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो बार बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मैंने बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ पे चेक करोगे, ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे आप फ्रेंड्स चेक करोगे कि लगातार डाउन ट्रेंड बन रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें, ये है फ्रेंड्स 7वें डिंग की कैंडल। ओके, और उसका हाई है फ्रेंड्स 40,348, और उसके बाद का जो कैंडल बना है फ्रेंड्स ये वाला ग्रीन है, वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, कौन से डेट को बनाया था फ्रेंड्स 27 फरवरी 2023, यानी अभी अभी लास्ट महीने में फ्रेंड्स ये पैटर्न बना था। उसने क्या किया फ्रेंड्स, सेकंड डे को और एक कैंडल इसके पास बनाया, और थर्ड डे सेकंड डे और ये सेकंड डे, ये उसके बाद ये मेन कैंडल, उसके बाद की फर्स्ट कैंडल, उसके बाद की ये थर्ड कैंडल, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल। ओके फ्रेंड्स, तो उसने यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हाई मारा है उसका 40,348, उसने यहाँ पे सेकंड डे उसको ब्रेक किया था फ्रेंड्स 40,371। आप चाहो तो ये ट्रेडिंग व्यू के व्यू है, आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और उसने फ्रेंड्स इस कैंडल तक हाई उसने मारा है फ्रेंड्स 41,390, यानी आप यहाँ पे चेक करोगे ये 40,348 से लेके 41,390, यानी करीबन 1000 पॉइंट प्लस आपको टारगेट मिला है फ्रेंड्स इस पैटर्न में। तो आप सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे एकदम मनी वाला कॉल बाय किया होगा, यानी 40,400 का कॉल बाय किया होगा, तो आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिला होगा एक लॉट पे, वो आप मैं आपको बयान नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और आपकी खातिर मैं बता दूँ, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन का एक वीडियो बनाया हुआ है जो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स के ओपन होने वाली है। तो ये जो अभी 41,390 हाई है वो और भी आगे जा सकता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्टॉक हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी में, ऐसे ही कैंडल जब बनने का वेट करना है, और उसके बाद बुलिश इंगल में कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड ले लेना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं ये आपको बता दूँ कि मेरी कोई पे चैनल नहीं है, मैं जो भी सिखाता हूँ वो फ्री में ही सिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो सीखता हूँ वो मुझे फ्री में ही कहीं से भी सीख लेता हूँ फ्रेंड्स, और उसी को मैं प्रैक्टिकली देख के पेपर ट्रेडिंग करके मैं आपको ये सिखाता हूँ फ्रेंड्स, या आपको उसके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये कैंडल स्टिक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का ये फर्स्ट वीडियो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल वाला, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।